देख सकते हैं सिंपली, ठीक है। मान लो मैंने इसको पकड़ रखा है ठीक से कि मैं ऐसे ही चलता। एक बात बताओ, ध्यान से समझना इस बात को कि जैसे मैं ये चल के बता रहा हूँ, ठीक है, ये खूब जोर जोर से चल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे चल के बता रहा हूँ ये साथ साथ में, है ना। तो इसमें वेट मेरा किस किस चीज पे आ रहा है कि मैंने एक तो क्रच आगे कर दी, ठीक है, फिर मैंने पैर को उठाया, ठीक, और पैर को आगे किया, ठीक है, उसको आगे रखा, फिर क्रच को उठाया, फिर उसको आगे किया, ठीक है, फिर पैर उठाया, उसको आगे किया, फिर क्रच को उठाया, आगे किया, फिर पैर उठाया, आगे किया, ठीक है, ऐसे में चल रहा हूँ। ध्यान से देखो फिर से, ठीक है, ये दोनों पे चारों पॉइंट पे, मैं क्या करूंगा कि दोनों क्रच को आगे ले लूंगा, ठीक है, और फिर, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक प्रोसीजर शुरू करेंगे, छोटा सा है बट एक नंबर का आता है एग्जाम, ठीक है, एक बार दो भी आ सकता है, तो ध्यान से समझना है और इसके बाद वो गलत नहीं होगा मेरे, ठीक है, ऐसे और भी जो हो सकते हैं उनमें भी हम काम करेंगे, ठीक है, कि रियल जो रियल टाइप के जो एक्सपीरियंस है वो बताया जा सके, उसके लिए छोटा सा प्रोसीजर था। हाँ जी, तो ये हमने मंगवा ली है, तीन चार दिन पहले से आ गई थी, क्रच खोल देते हैं इसको, है ना, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है, ये दिख रही है ना कौन सी क्रच है, बिल्कुल ही वो नहीं है ना, ठीक है ना, ठीक है, ये क्रच है, और कौन सी क्रच है, पहला क्वेश्चन तो यही है इसका, कौन सी क्रच है बताओ, एक्सिलरी क्रच, और कौन सी क्रच होती है, एल्बो क्रच, ये एल्बो में कैसे फिट होगी, बोल में इसका थोड़ा दिमाग थोड़ा, ठीक है, कैसे एल्बो से कैसे चलोगे, हैं, तो एक्सिलरी है या एल्बो क्रच है, ठीक है, एक थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं इसके लिए, है ना, देखो ये ऐसी वाली क्रच है, दिख रही है आपको, ठीक है, इस क्रच में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो ये पार्ट है कौन सा वाला, जो मेन पार्ट है यहाँ पे बताया जा रहा है, ये कौन सा है आपका क्रच पे, ठीक है, आगे पूछेगा कि भाई पेशेंट का वेट किस पे लेना है, क्या लेना है, तो एक एक पॉइंट पूछा जा सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्रच पैड बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, अब क्लियर है आपका लोकेशन, तो मैं बता रहा था कि ये हमने जो डिवाइस मंगवाया हुआ है ये क्या है, क्रच है, और इसको आपको स्क्रीन पे देख के सोचना है, ठीक है, स्क्रीन पे आपको ये चीज दिख रही है इसके जो एल्बो के नीचे लग जाती है, क्या बोलेंगे इसको, दूसरा क्या दिख रहा है, ये बीच वाला डिवाइस दिख रहा है, ये क्या है, हैंड ग्रिप, ठीक है, हैंड ग्रिप है, और नीचे जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, क्रच, क्या काम आती होगी, सोच के देखो थोड़ा सा, कि भाई जो भी सरफेस है जिसपे हम वेट देंगे वहां से ग्रिप बना ले ठीक से, है ना, ऐसा नहीं हो कि वो स्लिप हो जाए और पेशेंट ही गिर जाए, तो ये हमेशा है ना जो प्लास्टिक के इससे कवर्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज इसके अंदर लगा है ना, ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि ये किस टाइप की क्रच है, तो कुछ ऐसे क्रच के टाइप है, ये भी आप सीख लीजिए, कि एक्सिलरी क्रच है जिसको अंडर आर्म क्रच भी बोलते हैं, और जो आप ये देख रहे हो मेरे हाथ में ये कौन सी है, एक्सिलरी क्रच ये है, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम, अंडर आर्म क्रच बोलेंगे, ठीक है, दूसरी वाली ऐसी भी होती है जिसको बोलते हैं क्या, दूसरी वाली एल्बो क्रच, ठीक है, नाम याद रख लेना, लॉफ्ट क्रच, ठीक है, ये हम आपको डिटेल वीडियो दे देंगे तो टेंशन नहीं ले रहा है, तीसरी है कौन सी, फोरआर्म सपोर्ट क्रच, ठीक है, जिसको बोलते हैं गटर क्रच, ठीक है, तो ये वाली कौन सी है, एक्सिलरी क्रच है, ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन में भी आपको कराऊंगा, जैसे ये एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखा है, ठीक है, क्या कि द लेंथ ऑफ द क्रच फॉर ए पर्टिकुलर पेशेंट डिपेंड ऑन, किस चीज पे डिपेंड होनी चाहिए क्रच, ठीक है, ये आपके हो सकता है आंसर इसमें दिख गया, बट बहुत सारे आंसर हमने गलत भी लिखे हुए हैं, आपको सोच समझ के आंसर देना कि किस पे डिपेंड करेगी, भाई ये कितनी लेंथ की होनी चाहिए, ये किस पे डिपेंड करेगी, पेशेंट के हाइट पे, क्यों सिर में थोड़ी लगानी क्रच है,
पेशेंट के हाइट पे डिपेंड करेगी या एक्सिलरी के हाइट पे डिपेंड करेगी? एक्सिलरी के हाइट पे डिपेंड करेगी। मैं बोल रहा हूँ ना, ऑप्शन पे ज्यादा जाना नहीं, सोचना है हर एक चीज को, ठीक है? चलो इसमें दे रखा है, इसके हिसाब से पेशेंट के हाइट पे डिपेंड करनी चाहिए, बट इसमें हमने आंसर क्या दे रखा है? डी दे रखा है। तो हर चीज इसमें डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ फ्लेक्शन भी करेगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिला एंड क्रेस्ट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इस पे भी ये डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर देना है क्या? डी देना है, ठीक है? और ये तीनों पॉइंट्स को समझना भी है। पहला दूसरा क्वेश्चन यहाँ से फिर से आता है, पहली बात तो ये कौन से टाइप की क्रच है, ये क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन आपका आ गया कि पेशेंट की जो हाइट है, पेशेंट की जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे। यहाँ पे पेशेंट की हाइट कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे, हेड टू टो को यहाँ पे हाइट नहीं बोला, कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे हम? हील ऑफ फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिला, ठीक है? हील टू फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिला मतलब यहाँ तक, ठीक है? जहाँ पे क्रच मेन लगनी है यहाँ तक, तो हील से यहाँ तक इस वाले पार्ट को ही हम पेशेंट की हाइट बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है? ये चीज क्लियर कर समझ लेना है ना। आपको दे भी दे पेशेंट की फोटो तो आपसे क्लेम भी करवा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिला एंड क्रच पैड, ये तो कितनी बार आया हुआ कि इन दोनों के बीच में, कि इसकी हाइट उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे या एडजस्ट लगा हुआ, हाइट कम ज्यादा की जा सकती है, तो कैसे करेंगे हम इसको एडजस्ट, ठीक है? इतनी एडजस्ट करेंगे कि दोनों के बीच में डिस्टेंस, पहली बात तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक है? तो एक्सिला और किसके बीच में? क्रच पैड, दोनों के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 2 इंच, ठीक है? इंच में बोले तो 2 इंच, और फिंगर में बोले तो 2 to 3 फिंगर, ठीक है? 2 भी बोल दे 3 भी बोल दे तो 2 फिंगर, ठीक है? 2 to 3 फिंगर, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है? डिटेल वीडियो हम दे देंगे, आप टेंशन लीजिए मत करना, ठीक है? तो कुछ चीजें कसम के हिसाब से बताई हुई है इसमें, वो भी ध्यान से समझना है। यहाँ पे इमेज में भी ये चीज दिखाई, चल के मैं बता दूंगा कि कैसे पॉइंट गेट से आपको कसम निकालना। दूसरा पॉइंट, जैसे ये चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक? ये ऑनलाइन इनको तो दिख जाएगा, बाकी जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको जो वीडियो रिलीज होगा उसमें देखना, ठीक है? टू एंश्योर द क्रच इज फिटेड टू द क्लाइंट, टिप ऑफ द क्रचेस शुड बी प्लेस्ड इन व्हिच पोजीशन। भाई आप खुद सोचो कि ये क्रच है ना आपके सामने, यदि मैं इसको यहाँ रखूँ मेरे पैरों के बिल्कुल पास में, ठीक है? ऐसे रखा तो इसकी हाइट ज्यादा होगी, इधर रखा था हाइट कम हो जाएगी, तो मैं कैसे मानू कि ये प्रॉपरली फिटेड हुई या नहीं हुई? मतलब जो 2 इंच का गैप हमने माना है वो कैसे माने? मान लो पास में रखेंगे तो 2 इंच रखा है, तो जैसे ही दूर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा गैप। तो कैसे माने कि प्रॉपर फिटेड है या नहीं है? तो इसके लिए हमको क्रच को रखने का एक तरीका है कि कैसे रखेंगे। तो जो हमारा हील का पॉइंट है, ठीक है, उससे कुछ हम लेटरल और कुछ आगे, ऐसे ही तो चलेंगे। तो आगे हम जब क्रच को ऐसे रखेंगे, ठीक है, जैसे ये क्रच को रखी, तो कितनी ये लेटरल होनी चाहिए, कितनी हमारे फुट से फ्रंट में होनी चाहिए, ये कैसे समझ गए बात को, किधर किधर होनी चाहिए? तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं सीधे की सीधे, ठीक है? ध्यान से इस लाइन को पढ़ो, आपको ये बात समझ में आएगी। कौन सी? टू एंश्योर प्रॉपर फिटिंग द टिप ऑफ क्रच शुड बी प्लेस्ड 2 इंच लेटरल, ठीक है? मतलब जो हम ये क्रच रखेंगे, ठीक है, तो ये इधर किधर रख के देखेंगे, यहाँ से हमारा जो हील है उससे 2 इंच लेटरल, ठीक है? 2 इंच तो लेटरल हो गई, और आगे कितने रखेंगे? 4 to 6 इंच। तो ऐसे हम क्रच को रख के और फिर एल्बो पे लगा के देखेंगे कि 2 इंच का गैप है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कैसे, कितना लेटरल? 2 इंच लेटरल और 4 to 6 इंच फ्रंट, ठीक है? ऐसे करके हम ये चीज देखेंगे, ये दोनों क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, बातें नहीं करनी होना भगा में। तीसरी बात, ठीक, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। व्हाइल द एक्सिलरी क्रच वर्किंग द वेट ऑफ द क्लाइंट शुड बी सपोर्टेड बाय, ठीक है? देखो यहाँ पे आपके क्लियर पर देखो पैड लगा रखे हैं, ये एक्सिलरी के इसके ऊपर सॉफ्ट पैड लगा रखे है ना, ये वाले क्यों लगा रखे? क्योंकि ये एक्सिला के ऊपर इतना प्रेशर ना लगाए, नहीं तो क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा, सोर हो जाएगा, काम की बात बताओ, एक्सिलरी ना हो डैमेज हो जाएगा, ठीक है? आपका आर्म पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है? तो एक बार बताओ इतनी खतरनाक रिस्क है इसमें, तो क्या मुझे किस चीज पे सपोर्ट करना चाहिए वेट? हैंड ग्रिप पे करो या फिर एक्सिलरी पैड पे करो, कहाँ करो? भाई मैं ऐसे चल रहा हूँ, ये थोड़ी हमने एडजस्ट नहीं किया इसके हिसाब से,
मैं ऐसे चढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो कहाँ पे सपोर्ट करूँ? हैंड ग्रिप पे। तो ये आपके क्या है? हैंड ग्रिप है। तो मुझे वेट, मतलब पेशेंट का वेट किस पे आएगा? हैंड ग्रिप पे आएगा। इस पे आए तो क्या हो सकता है? जिससे क्या होगा? हो जाएगा क्या? पैर या हाथ हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए? ये गलत दे रखा ना, ठीक है, ये तुम कॉपी ना करो इसलिए गलत दिया, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा? हैंड ग्रिप पे होना चाहिए। देखो लोक लुभावना ऑप्शन भी दिया हुआ है, बट उस पे नहीं जा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप इसको करते रहना, है ना, फिर अगले साल फिर लिखना। चले आगे, नेक्स्ट। ये देखो, द एक्सिलरी क्रच यूज एल्बो फ्लेक्शन शुड बी, जब हम चल रहे हैं तो देखो हमने ये आगे पीछे ये ऐसे लिया है, ठीक है, ये थोड़ा आगे लिया है, तो ये एल्बो फ्लेक्शन का मतलब है ये एंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लोकेशन से थोड़ा हम देखें, ये एंगल दिख रहा है यहाँ पे, इस एंगल को एल्बो फ्लेक्शन बोला है, ठीक है। एल्बो फ्लेक्शन मतलब क्या है कि मैं जब ग्रिप को हैंड ग्रिप को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से एल्बो कितना एंगल मुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी को क्या बोला है? एल्बो फ्लेक्शन। तो ये कितना होना चाहिए, ठीक है। इसमें आंसर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? सी आंसर दिया हुआ है, ठीक, सी आंसर दिया हुआ है कितना? 20 से 25 डिग्री। तो इसके हिसाब से तो 20 बन रहा है, ठीक है। यदि और भी नियर वन आएगा तो 22 डिग्री आएगा, ठीक है, 22 डिग्री आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों का एवरेज की तरफ जाएगा यदि पूछता है तो, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा कि एंगल फ्लेक्शन कितना है। अब एक बात बताओ, कैसे मेजर करेंगे एंगल फ्लेक्शन? ये भी बड़ी बात हो गई, तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया, ये आपके एंगल फ्लेक्शन हो गया, ठीक है, और ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए, एक बार ठीक से इस चीज को भी समझो, ठीक है, फिर हमारा मेन पार्ट आ जाएगा। कौन सा? एल्बो फ्लेक्शन ऑफ द क्रच वॉकिंग इज मेजर्ड बाय, किससे करें, ठीक है, तो किससे करेंगे? गोनियोमीटर, इसके लिए स्पेशली काम में लेंगे। गोनियोमीटर कैसा होता है वो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ठीक, ये देखिए, जैसे फ्लेक्शन ऑफ जॉइंट्स हमेशा किससे मेजर करते हैं? गोनियोमीटर से करते हैं, हालांकि ये एल्बो नहीं है, ठीक है, बट गोनियोमीटर ये ऐसा स्केल जैसा होता है जो बीच में से जुड़ा रहता है, देखा भी होगा सीबीएसई में पढ़ने वाले लोगों ने तो देखा भी होगा, है ना, राजस्थान वाला मुझे नहीं पता, लेकिन देखा होगा, नहीं देखा, ठीक है। तो कौन सा? गोनियोमीटर, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन और बन सकता है इस पे, ठीक है, कि क्रच स्ट्रेंथ क्या होता है, ये अजीब क्वेश्चन है और हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन बने, तो ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है, कि मैं इसको आपको बताया कि कितना लेटरल रख रहा हूँ? 2 इंच, और फॉरवर्ड कितना रख रहा हूँ? 2 इंच, ठीक है। तो देखो यहाँ मेरे हील है और ये ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा ऊंचा हो जाता हूँ ऐसे, तो आप देखो ये एक पोजिशन स्पेशली बनी है, ट्राइंगुलर पोजिशन बन गई, इसी को क्या बोलते हैं हम? जिसके बारे में ये मेन वीडियो है जो समझने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे पॉइंट गेट होती है, ठीक है, शुरू करें। तो ध्यान से समझना, नॉर्मली हम कैसे वॉक करते हैं वो देखना है पहले, ठीक, नॉर्मली जैसे हम वॉक करते हैं कैसे, ठीक है भाई, ऐसे चलते हैं कि आगे, मान लो ये राइट साइड का हाथ आगे गया, ठीक है, तो पैर इधर का आगे जाएगा ना, ऐसे ही तो चलते हैं नॉर्मली, एक साइड का हाथ आगे जाता है तो दूसरे साइड का पैर नीचे चला जाता है, कुछ ऐसे ही है, ठीक है। अब मान लो ऐसे ही मैं चल रहा हूँ, ये क्रच है और मैं ऐसे ही चल रहा, ठीक है, कि ऐसे, ठीक है, ऐसे ही चल रहा हूँ, आप चल के देख सकते हैं सिंपली, ठीक है, मान लो मैंने इसको पकड़ रखा है ठीक से कि मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। एक बात बताओ, ध्यान से समझना इस बात को कि जैसे मैं ये चल के बता रहा हूँ, ठीक है, ये खूब जोर जोर से चल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे चल के बता रहा हूँ ये साथ साथ में, है ना, तो इसमें वेट मेरा किस किस चीज पे आ रहा है, ध्यान से समझो, हैंड पे तो आएगा ही, ठीक है भाई, दोनों तो मेरे लेग्स पे आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों क्रच के पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, हम पॉइंट गेट की बात कर रहे हैं, तो फिर से देखना और बताना कि किस पे आ रहा है, ठीक है, मैं चल के आपको बता रहा हूँ, ठीक, ठीक है, ऐसे मैं चल के आपको बता, ठीक है, किस पे आ रहा है? एक टाइम पे, कोई भी आप पॉइंट टाइम पे देखो और मुझे बताओ कि एक बार में
कितनी चीजों पे वेट आ रहा है, ठीक है। देखो फिर से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ठीक। वैसे क्या होगा, ये इधर आगे जाएगी, ठीक है, इधर का पैर आगे, पैर पीछे जाएगा, ठीक है, फिर ये जाएगी, ऐसे चलेंगे ना नॉर्मली, ठीक है। तो जब आप इस चीज को ठीक से देखोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार में दो ही चीजें टिक रही है, एक तरफ की तंत्र टिक रही है और एक तरफ का पैर टिक रहा है, ठीक है। ध्यान से फिर आप एक चीज को समझना, एक तरफ की तो क्या टिक रही है, क्रेस्ट, और एक तरफ का पैर टिक रहा है, ठीक है। ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, फिर से मैं चल के बता देता हूँ आपको कि जैसे मैंने एक लेफ्ट साइड की क्रच आगे कर ली, ठीक है, और एक पैर मेरा पीछे, ठीक। तो अब इस टाइम पे ऐसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मुझे आगे की तरफ आना, ठीक है। तो अब जो पॉइंट है, ध्यान से समझो, एक क्रच मैंने रखा हुआ, ठीक है, और एक तरफ से मेरा पैर टिका हुआ, अब मैं आगे आऊंगा, आगे आ गया, फिर एक क्रच रख ली, फिर दूसरी तरफ से पैर टिका, तो ये मैं स्पीडली चल रहा हूँ, धीरे धीरे नहीं चल रहा ऐसे, ठीक। अब आप खुद सोच के देखो कि ऐसे जब पेशेंट चलेगा नॉर्मली, तो एट ए टाइम कितने पॉइंट्स पे पेशेंट का वेट है, ठीक है। चलो इससे भी सिंपल क्वेश्चन दे देता हूँ कि मैं नॉर्मली चल के बता रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसे चल रहा हूँ, अब बताओ एट ए टाइम पे दोनों पैर टिके हुए या एक ही टिका हुआ, एक ही टिका हुआ है ना, दोनों कहाँ टिके हुए, जैसे मैं चल रहा हूँ एक टिक रहा है तो दूसरा उठा ले रहा हूँ, ठीक है, और साथ इसके साथ में चल रहा हूँ तो मैं पैर तो टेक ही रहा हूँ, साथ में क्रच भी टेक रहा हूँ, है ना। तो कितना हुआ, दो चीजों पे हुआ ना, ठीक है, दो चीजों पे वेट आया, तो ये कौन सी गेट होगी, 2 पॉइंट, ठीक है, कोई बात ही नहीं हुई, सीधी सीधी क्या हो गई, 2 पॉइंट गेट हो। अब ऐसे कौन चल सकता है, नॉर्मल जो क्लाइंट चलता है, जिसके दोनों पैरों पे वजन वो दे सकता है ठीक से, कोई उसको दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, इस वजह से वो क्रच काम में ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली चल रहा है, तो आपके ये कौन सी चलेगा, 2 पॉइंट गेट से चलेगा। अब मान लो उसके पैरों में कोई कोई क्या हो गई, दिक्कत हो, ठीक है, अब दिक्कत होगी तो आपको दे सकता है, फोटो दे सकता है कि पैर में क्या हो गया, कि मान लो प्लास्टर है या जो भी है, ठीक है, तो मान लो दोनों पैरों में दिक्कत हो, ठीक है, प्लास्टर के लिए थोड़ी सी बैंडेज काम में ले लोगे, ठीक, मान लो ये पैर में तो ये वाला हाल रखा कि अब ये ज्यादा वजन नहीं ले सकता, बट अलग अलग कंडीशन में बताएंगे ले रहा या नहीं, ठीक है, एक इसमें लगा दूसरे में बांध लेते, ठीक है, तो मैं क्या वैसे ही चलूंगा स्पीड में या धीरे धीरे चलूंगा, धीरे धीरे चलूंगा, तो मैं कैसे चलूंगा, अब धीरे धीरे, कि मैंने एक तो क्रच आगे कर दी, ठीक है, फिर मैंने पैर को उठाया, ठीक, और पैर को आगे किया, ठीक है, उसको आगे रखा, फिर क्रच को उठाया, फिर उसको आगे किया, ठीक है, फिर पैर उठाया, उसको आगे किया, फिर क्रच को उठाया, आगे किया, फिर पैर उठाया, आगे किया, ठीक है, ऐसे में चल रहा हूँ, ध्यान से देखो फिर से, ठीक है, ये दोनों पे चारों पॉइंट पे वजन है, मैंने एक क्या किया, पैर आगे ले गया, मान लो क्रच ले लो, पैर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो क्वेश्चन बना के बता रहे, ठीक है, मान लो ये क्रच मैंने आगे ले लिया, ठीक है, अभी इस पर वेट आ गया, तो मैंने पैर को भी आगे ले लिया, ठीक है, फिर दूसरी क्रच आगे ले ली, ठीक है, फिर इसको पैर को भी आगे ले लिया, ठीक है, फिर क्रच को आगे ले लिया, अब देखो अब मेरा एट ए टाइम पे कितनी चीजों पे वजन है, तीन पे, कैसे एक पैर टूट गया क्या, ध्यान से समझिए मेरे, दोबारा समझो बात को, ठीक है, दोनों पैरों पे मेरा वेट आ रहा है, ठीक है, अब मैंने एक ये आगे ले लिया, आगे एक पॉइंट, ठीक है, अब ये तीनों फ्री हो गए क्या, नहीं हुए ना, ठीक है, ये आगे ले लिए, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आगे आना है, तो मैंने मान लो ये पैर भी आगे ले लिया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, आइए क्रच आगे ले लिया, ठीक है, फिर इस पैर को उठा के ये आगे ले लिया, तो कितने चीजों पे वजन है, तो 4.8 नहीं है क्या, तो कौन सी होगी, ये 4.8, मतलब नॉर्मल वॉकिंग जैसी लगती है, वो कौन सी गेट होगी, 2.8, और दोनों पैर टूट जाए और फिर भी वजन देना पड़ेगा, धीरे 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 चलता है ना, दोनों पैर टूटने के बाद धीरे धीरे चलता है ना, हरियाणा वाले जानते होंगे पैर टूटने से बहुत संबंध है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे दोनों पैर टूट गए तो बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा, सोच लो बीमार आदमी कैसे चलता है ऐसे, है ना, क्यों, तो सब पे वेट आ रहा है, तो कौन सा बताएगा, 4.8, अब सोचो कि एक पैर टूटा, ठीक है, कौन सा तोड़ना चाहता है, ठीक है, ये
ठीक है, लेफ्ट नहीं थोड़ा राइट वर्ड बोल दिया, ठीक है, ऐसा दे सकता है। आपको बोलेगा पेशेंट है, उसके एक पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अब पैर ऐसे रहने वाला है, अब टिकने वाला नहीं है, ठीक है, अब ये पैर ऐसे रहने वाला, तो मैं कैसे चलूंगा, ध्यान से समझना, लोकेशन ध्यान देना, पसीन बहुत आया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि दोनों क्रच को आगे ले लूंगा, ठीक है, और फिर ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है, कितनी होगी, 3.8 है ना, ऐसे में चलता, ठीक है, ये ठीक लगा बहुत, ये कौन सी होगी, 3.8। तो इसमें पूछ सकता है आपसे कि भैया इसमें एक पैर वेट बियरिंग है, जो अफेक्टेड लेग है वो वेट बियर कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक क्वेश्चन में आपको दे देगा कि पेशेंट है वो प्लास्टर कास्ट इन वन लेग है ना, और वो नॉन वेट बियरिंग है, नॉन वेट बियरिंग है इसका मतलब टच नहीं होगा, तो फिर पेशेंट ऐसे ही चलेगा, जैसे मैं चलने की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही चलेगा, तो कितने पॉइंट, ठीक है, और प्लास्टर भले ही चढ़ा हुआ है और वेट बियरिंग है, तो फिर 4 पॉइंट से चलेगा, किससे चलेगा, 4 पॉइंट, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे जैसे नॉर्मल चलते हैं, फिर वो आपके कौन सी हो जाएगी, 2.8, ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर, 3 पॉइंट क्लियर, ठीक है, और 4 पॉइंट भी क्लियर, ठीक है, अब एक गेट और आती है, ठीक है, अब आप खुद सोचो कि मैंने एक चीज बताई जिसमें एक ऐसे आगे ले रहा है, फिर पैर आगे ले रहा है, ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, जो मैंने 2 पॉइंट बताया जिसमें दोनों तरफ से बैलेंस आ रहा है, पेशेंट के गिरने की संभावना नहीं है, 3 पॉइंट मैंने बताया जैसे ऐसे आपके, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है, इसमें भी पेशेंट के गिरने की संभावना नहीं है, एक और गेट है, अब मान लो ये पैर ठीक हो गया है ना, बट वो वेट अभी भी नहीं ले सकता, ठीक है, तो उसको तो 3 पॉइंट पे चलना होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा है जो पहले तो ऐसे धीरे धीरे चलता था, बिल्कुल 4 पॉइंट गेट लेके, बट अब पैर उसके वजन ले रहे, काफी दूर हो रहा है यार, धीरे धीरे कौन चलेगा इतनी दूर, ठीक है, तो वो ऐसे चलने लगे, ठीक है, दोबारा समझो, ठीक है, जैसे अभी वजन कहाँ है, क्रच पे, ठीक है, ये क्रच पे है ना, फिर पैरों पे आ गया, फिर क्रच पे, फिर पैरों पे आ गया, ठीक है, अब लग तो ऐसा रहा है कि 2 पॉइंट गेट है, बट 2 पॉइंट तो वो होती है जिसमें नॉर्मल चलते हैं वैसे ही तरह, तो ऐसे वाले आते, अरे रुक जाओ यार ऑनलाइन वालों, ठीक है, तो ऐसे चल रहा है, इसका मतलब इसको बोलेंगे स्विंग थ्रो गेट, क्या बोलेंगे, स्विंग थ्रो गेट, तो 2 पॉइंट में और स्विंग थ्रो में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना, समझ में आ गई, तो स्विंग थ्रो गेट है ना मोस्ट अनस्टेबल गेट होता है, इसमें गिरने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं स्विंग थ्रो, ठीक है, बट धीरे धीरे रिकवरी करता है, तो 3 पॉइंट से वो किस में आ जाता है, स्विंग थ्रो में आ जाता है, 4 पॉइंट से किस में आ जाता है, वो स्विंग थ्रो में, समझ में आ गई बात, ठीक है, तो आपसे यही बात पूछी जाएगी कि लेग वेट बियरिंग है या नहीं है, सीधी सीधी समझनी है कि एट ए टाइम देखा जाए तो कितने पॉइंट्स पे हमारा वेट बियर हो रहा है, ये देखना है, ठीक है, एक क्रच को 1 पॉइंट मांगे, दूसरे क्रच को 2 पॉइंट, चारों हाथ पैर टच हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे चल रहे हैं, तो 4 पॉइंट, ठीक है, एक में दिक्कत आई पैर में, उसको टच नहीं कर रहे, मतलब वेट बियरिंग नहीं है, ऐसी वाली बात हुई तो 3 पॉइंट, ठीक है, और स्विंग थ्रो में तो आपको पता है, ठीक है, ये दोनों इस पे और सीधे जंप करके ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है, ये कौन सी हो जाएगी, स्विंग थ्रो, इसमें से एक क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन घुमाते हैं, तो टेंशन मत लो, रात 9 बजे वाली क्लास देखने, इसमें घूमे हुए क्वेश्चन भी आपको